विश्व की अर्थनीति, भारत की अर्थनीति एक चुनौती भरे समय के अंदर गुजर रहे हैं। कोरोना की वैश्विक महामारी के कारण दुनिया में एनर्जी इंडस्ट्री, विशेष करके तेल और गैस इंडस्ट्री एक विचित्र स्थिति के अंदर गुजर रहा है। कच्चे तेल की दाम नीचे जाके फिर थोड़ा ऊपर आने लगा है। विश्व भर में एक अस्वाभाविक परिस्थिति बनी हुई है। अप्रैल और मई महीने में तो भारत में पेट्रोल डीजल की डिमांड 70-80% तक चली गई थी, एक नाम मात्र बिक्री स्थिति बनी थी। उसकी सीधी सीधी प्रभाव राज्यों की अर्थनीति में, देश की अर्थनीति में, राजस्व की आमदनी में आती है। जून के महीने में धीरे धीरे ये वापस आ रही है। हमारी एक अनुमान है, ये ऑयल की प्राइस में कोई कह नहीं सकता है कब बढ़ेगा और कब घटेगा। हमें लेकिन एक अनुमान है, धीरे धीरे ऑयल की प्राइस जैसे जैसे इंटरनेशनल मार्केट में स्टेबिलाइज हो जाएगा, जो आज 40 से 43-44 डॉलर के अंदर ऊपर नीचे हो रहा है, इससे थोड़ा स्टेबिलाइज हो जाने में थोड़ा हम भारत के बाजार में भी एक स्थिरता आएगी। हम स्थिरता की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसा हमारी एक अनुमान है।